नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में अपन बात करेंगे पी मोड के बारे में, जो प्रोग्रामिंग मोड होता है, प्रोग्रामिंग ऑटो मोड, ठीक है। अब पी मोड में क्या होता है, पी मोड में देखिए, स्टर स्पीड आपके कंट्रोल में नहीं रहती, अपर्चर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। स्टर स्पीड अपर्चर कैमरा खुद करता है, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल में क्या रहता है, ISO अगर आप मान लो ऑटो नहीं करते हैं तो ISO आप सेट कर देते हैं, ठीक है। और मान लो इसमें आपने, अब इसमें कैसे अपन सेट करें पहले, ठीक है, एक्सपोजर को। अब मान लो कि आपने 18-55 लेंस लगा रखा है, ठीक है। अब कैमरे क्या करेगा, अगर लो लाइट है तो, ठीक है, तो कैमरा क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपर्चर भी लेगा तो स्टर स्पीड भी लेगा, ठीक है। अब स्टर स्पीड उसने लोएस्ट कर दी, फिर भी एक्सपोजर नहीं, मतलब बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो फिर अपर्चर जो है वो भी वाइड खोल लेगा, ठीक है। अब स्टर स्पीड भी लोएस्ट कर दी, अपर्चर भी कर दिया, फिर भी नहीं ले पा रहा, तो क्या करें फिर वहाँ, क्योंकि आपका अपर्चर जो है वो 3.5 है, उससे तो ज़्यादा खुलेगा नहीं। अब वहाँ जब आप अपर, अगर ISO को ऑटो कर रखा आपने, ठीक है, तो कैमरा क्या करेगा, ISO को भी थोड़ा सा हाई करेगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने एक्सपोजर कंपोजिशन बटन से आपने अगर उसको +1 या +2 किया, तो अब कैमरा क्या करेगा, आपका बैलेंस करने के लिए वो ISO को ही बढ़ाएगा, ठीक है, और वो रेड कर देगा, ठीक है, जिस जैसे कि आपने स्टर ब्राइटी मोड में देखा था, ठीक है। आइए समझते कैसे करता है। मान लो ये मैंने कैमरा लगा रखा, ठीक है, ये मेरा वही 5600, ये ऑन पड़ा, ये ऑन किया मैंने, दिख रहा ना आपको, नहीं दिखा, हाँ दिखा, अब दिख गया ना, ठीक है। ये मैंने पी मोड लगा रखा, देखिए ये स्टर प्रायोरिटी मोड था, ये पी मोड है, ठीक है। ये कर दिया मैंने, थोड़ा सा सेट कर दिया ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए, ठीक है, नहीं दिख रहा, अब दिखा, एक मिनट दोस्तों, मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है, हाँ अब दिखा होगा ना। ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये गुलदस्ता पड़ा सामने, ठीक है। अब मान लो मेरी जो अभी जो कैमरा जो स्पीड जो सेटिंग ले रहा है वो आप देख पा रहे हो, 1/160 आपका स्टर स्पीड ले रहा है कैमरा, 6.3 आपका जो है वो अपर्चर ले रहा है, ISO भी ऑटो है लेकिन 100 ISO है, ठीक है। यहाँ मैं इमेज कैप्चर करता हूँ, ये लो जी, अब आप देख पा रहे हो कि यार यहाँ तो थोड़ा सा जो मेरा जो सब्जेक्ट है, जैसा कि देख पा रहे हो आप, इमेज दिखाता हूँ मैं, ये देखिए काली दिख रही होगी आपको, ये देखिए ये गुलदस्ता ना, ये प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, नहीं दिख रहा ना। अब क्या करता हूँ मैं, वही एक्सपोजर बढ़ाऊँगा, ठीक है। ये मैंने किया एक्सपोजर कंपोजिशन बटन का, ये मैंने कर दिया प्लस की तरफ, +3 स्टॉप किया, 4 स्टॉप पे जाके इसने ISO चेंज किया, देखिए, ठीक है, ये 5 स्टॉप मैंने पूरा ही कर दिया। देखते हैं जब 5 स्टॉप कर देता हूँ तो ISO में क्या, 100 था ISO। अब देखो आप, ये सब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, ये एक मिनट सेट कर लेता हूँ मैं सब्जेक्ट पे, ये लो जी, ठीक है, ये मैंने फोकस किया, ये अपनी कैप्चर कर, अब देखो आप, अब दिख रहा होगा, जब मैं जूम करूँगा ना, ये ओवर मत देखना आप, केवल लाइट में देखना कि इसने कितनी लाइट ले ली है, देखिए ये देखिए, अब दिख रहा होगा ना, एक मिनट में आपको सही नहीं दिख रहा ना, तो अभी देखो आप, एक मिनट, ये देखिए, अब देखेंगे आप, ये देखो, अब मैं जब जूम करके दिखाऊंगा ना तो आप खुद बोलोगे कि हाँ यार सही है बिल्कुल, ये देखिए आया ना सही बिल्कुल, ठीक है। अब इस अब देखते हैं कि यार कैमरे ने क्या सेटिंग चेंज करी है। अब एक तो ये देखिए और एक ये देखिए, अब आप खुद देख रहे हो ना, अब देखिए इसमें क्या सेटिंग थी कैमरे की, वही 1/2 मतलब 1/160 आपकी स्टर स्पीड थी, अपर्चर 6.3 था, ISO 100 था। अब ये वाली जो इमेज थी आप जो देख पा रहे हो, अब इसमें क्या किया कैमरे ने, आपका स्टर स्पीड 1/30 है, ठीक है, स्टर स्पीड भी इसने देखी है, लो करी, 3.5 अपर्चर खोला, फिर भी नहीं हो पाया, तो कैमरे ने क्या किया, फिर बाद में क्या किया,
इसने ISO फिर जाके बढ़ाया, देखिए 250 क्या 100 से। तो कैमरा क्या कर रहा है इसमें, तीनों सेटिंग क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इस सेटिंग में कैमरे के हाथ में तीनों कंट्रोल है, स्टर स्पीड भी कैमरे के हाथ में, अपर्चर भी कैमरे के हाथ में, ISO भी अपने कैमरे के हाथ में दे दिया, ठीक है ना। इसलिए क्या किया, कैमरे ने स्टर स्पीड भी चेंज कर ली, अपर्चर भी चेंज कर लिया और ISO भी चेंज किया। तो इस तरह से कैमरा क्या है, आपके एक्सपोजर कंपोजिशन बटन से अगर अपन प्लस की तरफ ले जाते हैं या माइनस की तरफ ले जाते हैं तो ये सेटिंग चेंज करता है। तो आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों, जब जो भी मैं बता रहा हूँ आप लाइव करके देखिए, अपने कैमरे में करके देखोगे तो ज़्यादा सही समझ पाओगे। अगर मान लो आपको कोई डाउट है या कोई सेटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज़ डालूँगा मैं आपको, ठीक है। धन्यवाद।